ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो महाराष्ट्र में सियासत अपने चरम पर है, सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 10:30 बजे फैसला भी सुनाएगा। बता दें कि एनसीपी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी दलील दी। सिंघवी ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष फ्लोर टेस्ट को तैयार है तो देर किस बात की जा रही है, क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ छिपाया जा रहा है तो फर्जीवाड़ा हुआ है। अजीत पवार की चिट्ठी पूरी तरह से फर्जी है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से चिट्ठी को फ्रॉड बताते हुए मुकुल रोहतगी भड़क गए और उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही तुषार मेहता ने जहां पूरे अस्तबल के गायब होने का दावा किया था, उस पर अब कपिल सिब्बल ने जवाब भी दिया है। सिब्बल ने कहा है कि सिर्फ घुड़सवारी ही जो घुड़सवार था वही भागा है और घोड़ा वहां के वहीं पर बैठा हुआ है। मुकुल रोहतगी ने कहा है कि विधायकों को होटल में बंद किया गया है, फैसला जल्दी होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे या 48 घंटे में निर्देश दिया तो किसे सदन की व्यवस्था तो स्पीकर ही देखेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि हमारे चुनाव पूर्व साझेदार के साथ नतीजे आने के बाद मतभेद हो गया, फिर एनसीपी ने पखवाड़े बाद हमें समर्थन देकर सरकार बनाने और चलाने पर सहमति बनाई है। एक पवार हमारे साथ हैं और दूसरे पवार उनके साथ हैं। ये मामला कर्नाटक के येदुरप्पा मामले से अलग है। विवेक जी, आपके पास आना चाहूंगा और विवेक जी और पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। पहले तो विवेक जी आपके पास आना चाहूंगा, कौन घुड़सवार है, कौन घोड़ा है, घोड़ा वहीं रह गया, घुड़सवार भाग गया, ऐसी बातें की जा रही हैं कोर्ट के अंदर, बताया जा रहा है, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक सिंपल वे में नहीं हो सकती थी? क्या चीजें खुले मैदान में आमने सामने नहीं की जा सकती थी? इतनी जल्दबाजी में इतने फैसले, एक महीने तक कुछ भी नहीं था और एकदम से अचानक से जो है वहां पे बहुत सारी चीजें हो गई। विवेक जी, हम वहां पे गठबंधन के साथ बहुमत पाए थे, प्री पोल अलायंस था, जनता ने सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी और सबसे ज्यादा रेट ऑफ सक्सेस भारतीय जनता पार्टी का था। निर्णय साफ था कि जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार चाहती है। शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की जिद की और उनकी जिद के चलते हमारा उनसे अलायंस टूट गया और वो अन्य दलों के साथ जाके सरकार बनाने के चक्कर में पड़ गए। महामहिम राज्यपाल ने सबसे पहले हमें मौका दिया था, उस समय हमारे पास संख्या नहीं थी, हमने मना कर दिया। कांग्रेस और एनसीपी दोनों कह चुके थे कि उनको विपक्ष में बैठने का जनादेश है। शिवसेना उन लोगों से बातचीत करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, इन लोगों को भी मौका मिला, इन लोगों ने भी मना कर दिया था, शिवसेना भी मना कर चुकी थी और एनसीपी भी मना कर चुकी थी, राष्ट्र शासन लग चुका था। इस दौरान एनसीपी के नेता अजीत पवार जी ने हमको समर्थन की चिट्ठी सौंपी, हमने और स्टेबल गवर्नमेंट के लिए सौंपी, हमने महामहिम के समक्ष प्रस्तुत करके सरकार बनाने की दावा पेश किया, उन्होंने हमारी शपथ कराई और सरकार हमारी बन गई। अब इसमें किसी को दिक्कत क्या है? पंकज जी, दिक्कत कहाँ पे है? देखिए, क्या दिक्कत लग रही है आपको, क्या दिक्कत नजर आती है? देखिए मांशु जी, पूरे राज्यपाल ने एक संविधान की मर्यादाओं को रखते हुए और एनसीपी का जो समर्थन पत्र था उसको देखते हुए उन्होंने सरकार स्वविवेक का प्रयोग करते हुए फडणवीस, चूंकि बड़ी बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे फडणवीस, वो उनको जो है सरकार बनाने का न्योता दिया क्योंकि उनके पास नंबर थे, सर्वाधिक नंबर थे और 117 उन्होंने अपने नंबर क्लेम किया और 54 सीटों का दावा एनसीपी के जो विधानमंडल दल के नेता चुने गए थे, एनसीपी के जो नेता चुने गए थे शरद अजीत पवार, उनका समर्थ उनकी चिट्ठी को देते हुए जिसमें सारे विधायकों के दस्तखत थे उसको देखते हुए राज्यपाल ने इनको निमंत्रण दिया और सरकार का गठन करवाया, शपथ ग्रहण करवाया। अब सवाल ये आई है कि एक महीने हो गए, 24 तारीख को पिछले महीने आपका फैसला वो आपके क्या बोलते हैं इसका रिजल्ट आया था विधानसभा का, तब से आप जो है मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं और एक महीने से खाली आप लोग मीटिंगों का दौर कर रहे हैं, एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना,
तीनों लोग एक महीने से खाली मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं, एक महीने से आप कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं जनता ठगी जा रही है। अरे जनता को तो आपने ठगा कि आपको पहले गठबंधन की सरकार थी, आप गठबंधन में चुनाव लड़े, आपको गठबंधन की सरकार बनानी चाहिए थी, आपने उसके बाद वहां से आप निकल के चले गए, आप बार्गेनिंग करते रहे बीजेपी से, चलिए आपने बीजेपी। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन कोर्ट में एक बात कही गई कि फ्लोर टेस्ट में आप देरी क्यों? नहीं, फ्लोर टेस्ट में देखिए, फ्लोर टेस्ट में जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट भी अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट भी सब चीज़ों को संज्ञान लेते हुए उसको देखते हुए, इनके किसी के वकील के कहने से किसी विरोधी पार्टी के, मतलब विरोधी पार्टी इन द सेंस एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इन लोगों के कहने से थोड़ी वो जो है वकील के कहने से सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना देगा कि नहीं तुरंत दे दे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दलीलें ये दी जा रही हैं कि अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो फ्लोर टेस्ट में देरी क्यों? वो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा ही, वो तो सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों को दृष्टिगत रख रहा है। जब ये लोग सारे तथ्यों को, सुप्रीम कोर्ट सबको इशू नोटिस किया, उसने सारे लोगों को इशू नोटिस किया, अब आज उसका जवाब लोगों ने दाखिल किया होगा, तो आज उसका जवाब दाखिल किया होगा उसको देखते हुए तुरंत सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई डिसीजन पे आ जाएगा। 30 तारीख को वैसे भी फैसला है, 30 तारीख को फैसला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए राज्यपाल ने कहा हुआ है, अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके पहले उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवा दे, ये अलग मैटर है। लेकिन अब आप सवाल ये है, सबसे बड़ी चीज ये है, फ्लोर टेस्ट भी होगा तो हिमांशु जी चीजों को समझिए, फ्लोर टेस्ट में भी जो सबसे पहले फ्लोर टेस्ट में सारे विधायक वहां जाएंगे, अभी कोई विधायक सदन का मेंबर नहीं है, जब तक सदन में जाके वो शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो वहां पर किसी भी दल अभी मेंबर नहीं है विधानसभा के, तो उसके लिए प्रोटम एक स्पीकर की व्यवस्था होती है, प्रोटम स्पीकर माने अस्थाई विधानसभा अध्यक्ष, तो जो पार्टी का सीनियर नेता होता है उसको प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है, वो भी बहुमत से बनेगा, वो भी बहुमत से बनेगा, ऐसा थोड़ी है कि किसी के कहने से बन जाएगा प्रोटम स्पीकर, उसमें भी सबकी स्वीकृति होगी तब होगी, तो उसमें भी वोटिंग होगी। लेकिन पंकज जी, लड़ाई जो पूरी है जी, ये सारी जो बातें की जा रही है, संविधान का हवाला दिया जा रहा है या फिर जो भी चीजें कही जा रही है, वो एनसीपी जो अजीत पवार एक चिट्ठी लेकर सामने आए उसको लेकर है, क्योंकि एनसीपी की तरफ से पहले तो ये कहा जा रहा था, जिसमें अजीत पवार जी भी शामिल थे, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हम सरकार बनाएंगे, ठीक है, शिवसेना और कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर जिक्र नहीं था, रात 8 बजे 8:30 बजे तक के ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन सुबह अचानक जो है वो चिट्ठी लेकर जो है पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, या फिर जो भी चीजें करते हैं वो संवैधानिक एक दायरे में की जाती है, तो उस चिट्ठी को लेकर पूरा जो है चीजें कही जा रही हैं कि वो झूठी चिट्ठी थी या फिर उस चिट्ठी को लेकर जो है पूरा बवाल कटा हुआ है। हाउ कैन यू से डेट, आप कैसे कह सकते हैं कि वो चिट्ठी फर्जी थी, ये कैसे कह सकते हैं, ये किसी के कहने से नहीं हो जाएगा, ये कोई नहीं सिद्ध कर सकता। भाई एक महीने से ये कवायद चल रही थी, उसके बाद शरद पवार, अरे अजीत पवार चूंकि एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका भी दल के नेता चुने गए अपने दल के, तो उनका अपने विधायकों पे अपने लोगों से सामंजस्य होगा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बात कर रखी होगी, कुछ किया होगा तभी उन्होंने चिट्ठी सौंपी। ऐसे तो वो झूठा इस बेस पे कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शरद पवार जी के साथ 49-50 विधायक हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, तो फिर विधायक या तो इधर हो सकते हैं या उधर हो सकते हैं। भाई समर्थन कर रहे हैं, ये बात तो बाहर कहने से तो काम चलेगा नहीं। अभी आप कहिए कि कांग्रेस के विधायक समर्थन कर रहे हैं और वहां फ्लोर टेस्टिंग में जाएं, वहां सदन से ही वॉकआउट कर दें, तो ये गर्व का विषय, ये आप नहीं कह सकते हैं। इस पे किसी पे जोर लगाना अभी संभव नहीं। अभी सारे विधायक भी वहां पर उभिया चुके हैं, कभी रेनिसेंस में तो कभी किसी रिसोर्ट में, कभी किसी रिसोर्ट में तो कभी ललित में, जितने वहां के 5-स्टार होटल हैं, जेएम मैरियट वहां का 5-स्टार है, जूहू के किनारे बसा हुआ है, तो वहां जितने होटल हैं सब में जो है ये लोग अपना घूम रहे हैं और विधायकों की बकायदा गिनती हो रही है, गिनती करके बस में चढ़ाया जा रहा है, तो ये सब चीजें विधायक भी समझ रहे हैं, विधायक भी जो है उससे इससे बहुत पजल्ड है, कहना नहीं चाहिए, वो विधायक भी उससे बहुत ज्यादा पजल्ड है सारे पार्टियों के, क्योंकि अभी एक महीने से आप बड़े नेता फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं, उद्धव ठाकरे हो, चाहे आपके शरद पवार हो और चाहे सोनिया गांधी हो, तीन एक महीने से ये लोग खाली दिल्ली जा रहे हैं, वहां आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बस खाली लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं पब्लिक के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि पब्लिक जो है ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। अरे पब्लिक तो आप लोगों को माफ नहीं करेगी कि एक महीने से आप सरकार बनाने की कवायद कर रहे हैं, आपको पहले ही सरकार बना लेनी चाहिए। विवेक जी दोनों पवार पॉलिटिक्स चल रही है, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि एक तरफ से अजीत पवार एक बयान दे रहे हैं, एक तरफ से शरद पवार बयान दे रहे हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी समझ में आ रहे हैं। मैं एनसीपी में हूँ, हमेशा एनसीपी में ही रहूंगा, शरद पवार हमारे नेता हैं, भाजपा एनसीपी गठबंधन 5 साल स्थिर सरकार देगा, ये अजीत पवार जी कह रहे हैं। वही भाजपा के साथ गठबंधन का कोई सवाल नहीं खड़ा होता है, अजीत पवार का बयान झूठा है, भ्रम फैलाने वाला है, इसका मकसद जनता को गुमराह करना है, ये शरद पवार जी की तरफ से कहा जा रहा है। दोनों बयान एक दूसरे के विपरीत खड़े हुए हैं। विवेक जी,
देखिए उनके अंदर की बात है, ये तो सत्य है कि अजीत पवार नेता विधानमंडल चुने गए और उनके पास विधायकों के द्वारा नेता चुने जाने का समर्थन पत्र था, ठीक है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए समर्थन दिया। देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजीत पवार जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बाकी बहुमत साबित करने का काम विधानसभा के फ्लोर पे होता है, हाउस में, वो और कहीं सिद्ध नहीं होता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट कौन लोग गए, जो लोग दौड़ के सुप्रीम कोर्ट गए वही अब कह रहे हैं साहब जल्दी से फ्लोर टेस्ट करवा दो। भाई फ्लोर टेस्ट तो होना ही था, फ्लोर टेस्ट तो होने जा ही रहा था, आप ही तो विषय को सुप्रीम कोर्ट लेके आए। अब सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी बात ये है, आप जरा इस चीज पे गौर करिए, अजीत पवार जी का बयान कि उन्होंने कहा है कि मैं एनसीपी में हूँ, हमेशा एनसीपी में ही रहूंगा, शरद पवार हमारे नेता हैं, उन्होंने ये कहा है। शरद पवार ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए मैंने बार बार कहा उनका अंदर घर का विषय है, वो नेता विधानमंडल दल है अजीत पवार, उन्होंने चुने गए नेता हैं और उन्होंने समर्थन दिया है, और वो अगर वो कह रहे हैं कि मैं एनसीपी का नेता हूं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है, सारे विधायकों ने मुल्क के उनको अपना नेता विधानमंडल दल चुना है और शरद पवार को अपना नेता मानते, शरद पवार जी एनसीपी के संस्थापक हैं तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अब अगर शरद पवार जी कहते हैं साहब उनका ये बयान ठीक नहीं है और ऐसा सवाल नहीं उठता, ये चीजें तो फ्लोर पे तय होंगी ना कि एनसीपी किसके साथ जा रही है। ये चीज है आपके साथ जो खड़े हैं वो एनसीपी के साथ यानी कि शरद पवार जी के साथ भी खड़े हैं, तो फिर या तो एनसीपी कह रही है कि बीजेपी के साथ, वो ट्रायंगल बन रहा है ना, जब वो सही से बन नहीं पा रहा है, शरद पवार जी बीच में है, या तो शरद पवार जी इस चीज का भ्रम फैला रहे हैं या तो अजीत पवार जी क्योंकि आपके साथ खड़े, इसलिए आपकी छवि भी उसमें धूमिल होगी। अगर ऐसी चीजें होंगी तो आपकी छवि पर भी जो है कुछ ना कुछ है। आप इस भ्रम में क्यों पड़ रहे हैं, जब हाउस में बहुमत साबित करना है तो उस दौरान तय हो जाएगा कौन किसके साथ है, फिर इस बात की दिक्कत है, ठीक है, जब ये तय होना है फ्लोर पे तो क्यों इतनी मगजमारी, क्यों विधायकों को होटल से होटल बदलवा रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, पता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी जल्दी कर लिया तो अब फ्लोर टेस्ट भी जल्दी जल्दी हो जाए, सारी चीजें जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, इन सारी चीजों की कवायद लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। पंकज जी आप किस तरह से देख रहे हैं अजीत पवार जी के बयान को और शरद पवार जी? देखिए हिमांशु जी ऐसे आ गए हैं, अजीत पवार शपथ ग्रहण करने गए थे उस समय एनसीपी के 12-14 विधायक भी उनके साथ गए थे, वो भी शपथ ग्रहण में थे, वो बात अलग है कि वो इस मीटिंग में भी हैं, उनकी शरद पवार की मीटिंग में भी है। शरद पवार चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता है तो उनके आगे आदमी बोल नहीं पाता है, इसलिए उनके सम्मान में बहुत से लोग ये चीज है। लेकिन अभी फ्लोर टेस्टिंग होगी तो अंतरात्मा की आवाज पे जब वोट देने की बात आएगी तो फिर ये चीज बदल सकती है, इसको कहना नहीं, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में फ्लोर टेस्टिंग में बहुत बार हुआ है, बहुत विधानसभाओं में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। और आपको अगर ये डर लग रहा है तो आप अपने विधायकों को क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं कि आराम से घूमे, आप उनको कब्जे में करके एकदम कैद करके आपने कभी रिसोर्ट में तो कभी होटल में, हर जगह रोज होटल बदले जा रहे हैं, इस तरह रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको डर है कि हमारे डर तो है डर इस बात का है कि आप एक महीने से खाली जो है इसकी वो कर रहे हैं। आपको विदिन ए वीक सरकार बना लेनी चाहिए थी, अगर आपके पास 170 विधायकों का समर्थन था तो आपको एक हफ्ते के अंदर सरकार बना लेना चाहिए था, इतनी एक महीने से इतना वो सिनेरियो फैलाने का क्या जरूरत था? अच्छा, मैडम सोनिया ने समय नहीं दिया था ना मिलने का, मतलब ये क्या है? शरद पवार जाते हैं सोनिया गांधी से मिलने, वो कहते हैं इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही। इसमें किंग मेकर कौन लग रहा है आपको, कौन से पवार जी किंग मेकर लग रहे हैं इसमें? भैया अजीत पवार इसमें किंग मेकर है, अजीत पवार वहां की राजनीति में एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं, शरद पवार के बाद उनका भी एक फाइंडिंग है, एक बड़े बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के, तो उनको भी ये लगा कि एक महीने से इस तरह की चीजें हो रही हैं कि मतलब अभी सरकार गठित नहीं हो पा रही है, तो उनकी भी इंटरनल विधायकों से बात हुई होगी, तभी तो 12-14 विधायक वहां पर गए उसमें शपथ ग्रहण में, कैसे चले गए शरद पवार जी की 12-14 विधायक कैसे चले गए? शरद पवार जी की बनाई हुई पार्टी, उन्हीं से उन्होंने राजनीति के बहुत सारे गुण सीखे और उन्हीं के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। अब इसमें हो सकता है मौनम स्वीकृति लक्षणम, हो सकता है कि बहुत सी चीजों में शरद पवार जी का ही उनपे स्वीकृति हो, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर ये चीजें हैं
तो शिवसेना के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा और कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि मीटिंग कर रहे थे। चलिए ठीक है, एक और खबर का रुख कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है, वहीं आज लोकसभा में तीन अहम बिल भी पेश होने हैं। सदन में ई सिगरेट बैन बिल 2019 का विचार भी होगा, इसके साथ ही राज्यसभा में ट्रांसजेंडर पर्सन बिल का पर भी जो है उसको लेकर भी चर्चा होनी है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन राज्यसभा में स्वच्छता को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ने का निजी बिल पेश हुआ है, तो वहीं लोकसभा में कंपलसरी वोटिंग को लेकर निजी बिल पर चर्चा हुई थी, जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध विधेयक 2019 को पेश किया था, लेकिन महाराष्ट्र के मुद्दे पर कांग्रेस के सांसदों ने गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही लोकसभा में कांग्रेस का जो है हंगामा जारी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आज यहां सवाल पूछने आया था, लेकिन सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसलिए मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। और राहुल गांधी के बयान के बाद लोकसभा में भारी हंगामा हुआ, बेल में हो खूब जो है जमकर नारेबाजी हो रही है, बैनर पोस्टर लहराए जा रहे हैं, स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग के पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही स्टॉप मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के बैनर लेकर लोकसभा के बाहर प्रदर्शन भी चल रहा है। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा इस खबर को लेकर। कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरह से की जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज हम सदन में कुछ नहीं बोलेंगे, सवाल पूछने के लिए आए थे, लेकिन जो चीज हो रही है उससे मेरा सवाल पूछने का मन नहीं हो रहा है। देखिए हिमांशु जी, राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में उनकी अविवेकता दर्शाती है। और आप कांग्रेस के इतिहास में आइए, 70 सालों के इतिहास में आइए, कांग्रेस ने कितने जगह हॉर्स ट्रेडिंग की और कितने जगह की चीज़ें की। अब आइए आप महाराष्ट्र के सिनेरियो पे, तो महाराष्ट्र में क्या सिनेरियो, बीजेपी ने कौन सी हॉर्स ट्रेडिंग कर ली, सत्ताधारी दल ने, बीजेपी ने कौन सी, अगर ऐसा होता तो अभी तक यहाँ सरकार पूरा गठित हो गई होती। बीजेपी ने तो अपने एक समर्थन का पत्र दिया और ये किया, कहां उसमें उन्होंने जो है इस तरह की चीजें की, हॉर्स ट्रेडिंग करके उसको समर्थन किया, कैसे आप कह सकते हैं। अभी जो है वो खुद ही जो है उबिया के एक महीने बाद अगर ऐसी स्थिति होती तो बीजेपी पहले ही विद इन वीक अपनी सरकार बना लेती, खरीद फरीद करके शुरू में ही। बीजेपी को अगर ऐसे ही करना था तो एक हफ्ते के अंदर सरकार बन गई होती। एक महीने तक ये सिनेरियो चला, उसके बाद अजीत पवार खुद उसके पास गए, एक बड़े लोगों को लेके, बड़े समर्थन को लेके, कि हमारे पार्टी के मैक्सिमम लोग हमारे साथ हैं। और आज भी उनका दावा किया जा रहा है, आज भी जो अजीत पवार कोई भी बयान दे रहे हैं तो नपातुला बयान दे रहे हैं, पूरा लीगल वे में समझ के तभी कोई बात वो बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी घटनाक्रम वो नहीं बोल रहे हैं। और रहा सवाल राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी का ये कहना कि लोकतंत्र की हत्या हुई, ये कैसे कह सकते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई, तो ये कहने से खाली काम थोड़ी चलेगा कि आपके कहने से कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। भाई आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला होगा उसको सारे पक्ष मानेंगे, उसमें क्या सवाल है, उसमें तो कोई भाग रहा नहीं है। और बीजेपी भी एक महीने तक इंतजार करती रही, एक महीने तक ये सिनेरियो चलता रहा, तब बीजेपी का अजीत पवार से कोई बात हुई होगी, तब जाके समर्थन की चिट्ठी दिया और इस तरह का घटनाक्रम आया सामने। तो इसमें भी बीजेपी ने भी एक महीना वेट एंड वॉच का सीन दिया, ऐसे थोड़ी कि बीजेपी ने तुरंत सरकार बना ली और खरीद किया, और शिवसेना के MLA तो उसके संपर्क में थे, तो चाहते तो वो तोड़फोड़ कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। ये कहना कि लोकतंत्र की हत्या हुई, ये कहना गलत है, इसको इसका कोई मतलब नहीं है। विवेक जी, लोकसभा के बाहर जो है हंगामा काट रहे हैं, ऐसे पोस्टर लेके जो है बैठे हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए अभी पंकज जी ने बहुत सही बात कही कि राहुल गांधी कह रहे लोकतंत्र की हत्या हो गई। इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की थी, और आप भी जानते कितनी बार देश में इन्होंने हमारी सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया है, और आज ये लोकसभा में लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। असत्यता तो ये है कि इनका जो क्वेश्चन लिखने वाला जो राइटर रहा होगा वो लग गया होगा मुकदमे की फाइल लिखने में, तो इसलिए वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, भूल गए कि पूछें क्या, जो लिख के नहीं मिलता इनको कि बोलने के आज आपको ये बोलना है, वो कहीं और बिजी हो गया होगा तो इसलिए ये नहीं पूछ पा रहे हैं। और देखिए वहाँ कुछ भी अनडेमोक्रेटिक नहीं हुआ। अगर हमें इस तरह से सरकार बनानी होती तो पहले ही हमको बुलाया गया तब बना लेते,
हमारे पास उस समय समर्थन चिट्ठी नहीं थी, हमने नहीं बनाई। चले ठीक है, एक और खबर का रुख कर रहे हैं। आगामी 3 से 4 सालों में भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह दावा किया है। इसकी जानकारी पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी है। ट्वीट के जरिए योजना का ऐलान करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि एक बेहतर प्रदूषण रहित भविष्य के लिए रेलवे विद्युतीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि अगले 3 से 4 सालों में संपूर्ण रेलवे के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यह विश्व का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त रेलवे बनेगा। साथ ही अपनी आवश्यकता के लिए रेलवे सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर रहा है, यानी कि इस कदम के बाद भारतीय रेलवे जल्द दुनिया का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त रेलवे नेटवर्क बन जाएगा। ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए रेलवे सोलर एनर्जी के उत्पादन पर काम कर रहा है। बता दें कि पहले भी रेल मंत्री ने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि वे 2030 तक भारतीय रेलवे को दुनिया का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त नेटवर्क बनाएंगे। तो 2030 तक भारतीय रेलवे को दुनिया का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त रेलवे नेटवर्क बनाने का प्लान है, और पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ये सारी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस पर लगातार कामकाज चल रहा है, 2030 का लक्ष्य लिया गया है। तो विवेक जी, किस तरह से देख रहे हैं 2030 तक दुनिया का पहला कार्बन उत्सर्जन मुक्त नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है, आगे की राह प्रशस्त कर रहे हैं और पर्यावरण को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, पीयूष गोयल जी की इच्छा का, इस संकल्प का स्वागत किया जाना चाहिए। जिस तरह से वायु प्रदूषण हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता जा रहा है, ऐसे में अगर रेलवे कार्बन मुक्त हो जाए और ये तय हो जाए कि अब रेलवे के द्वारा कहीं कोई इस तरह का प्रदूषण नहीं फैलाया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो पर्यावरण को लेकर चिंता है, विश्व पर्यावरण को लेकर चिंता है, उस चिंता के को देखते हुए ये रेलवे का उसमें एक योगदान माना जाए। पीयूष गोयल जी की इस संकल्प को बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हम सब की शुभेच्छा है कि उनका यह संकल्प समय पर सिद्ध हो। पंकज जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए अब रेलवे सोलर पैनल को भी जो है उसका उत्पादन करने पर भी जो है काम कर रहा है? देखिए हिमांशु जी, हमारे देश की जो संरचना है, हमारा रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है। इतना बड़ा नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। और इससे पहले क्या नाम है, कोयले के इंजन, स्टीम इंजन चला करते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते थे। बिल्कुल सही बात। उसके बाद लेकिन उस समय की स्थिति ये थी कि उस समय पेड़ और बहुत ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षित था, उस समय इतना पर्यावरण असुरक्षित नहीं था हिंदुस्तान में। आज स्थिति यह है कि पर्यावरण असुरक्षित है, पेड़ लोगों ने जंगल पूरे कटवा दिए, लोग अपना काट काट के पूरी कॉलोनी बसा रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को असुरक्षित कर रहे हैं, जिससे बहुत प्रदूषण फैल रहा है। अब रेलवे पर आइए, रेलवे में उसके बाद डीजल इंजन बने, डीजल इंजन चलने लगे, स्टीम इंजन पूर्णतया बंद कर दिए गए, कोयले के उसको स्टीम इंजन पूर्णतया बंद हो गए। उसके बाद जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में है, जहां मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे है, वहां सर्वाधिक डीजल इंजन बनते थे और बहुत तेज गति के इंजन बनाए गए। उसमें भी बहुत इन्वेंशन भारत ने किया और उसका एक्सपोर्ट भी किया डीजल इंजन का विश्व के कई देशों में। उसके बाद स्थिति यह जब देखी गई कि डीजल इंजन भी बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, मतलब कार्बन बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस चीज़ को देखते हुए ये आवश्यकता महसूस हुई कि रेलवे में इतने ज़्यादा नेटवर्क है, इतनी ज़्यादा ट्रेन्स हैं, तो वो अगर उससे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होगा, उसको कैसे मुक्त किया जाए, इसको देखते हुए फिर रेल इसके बिजली विद्युत विभाग के विद्युत के इंजन लाए गए, विद्युत के इंजन लाए गए और डीजल लोकोमोटिव को एक तरह से बंद कर दिया गया। आज की डेट में कोई भी जो है वहां पर उसका डीजल इंजन नहीं बन रहा है। डीजल इंजन की एक सबसे बड़ी खराबी क्या थी हिमांशु जी, कि अगर डीजल इंजन एक बार स्टार्ट करने में कई घंटे का समय लेता था और स्टार्ट हो जाता था तो वो फिर वो बंद नहीं होता था, फिर उसको कई घंटे कंटिन्यूअस चलाना पड़ता था, वो चलता रहता था। ये सोचिए कि वो गाड़ी के सेल्फ की तरह नहीं था कि उसको आपने सेल्फ मारा स्टार्ट हो गया, उसको स्टार्ट करने में समय लगता था और बहुत ज़्यादा डीजल का कंजम्पशन करता था, बहुत ज़्यादा, तो उससे कार्बन बहुत फैलता था।
तो इन्होंने कार्बन मुक्त उत्सर्जन की ओर दृष्टिगत रखते हुए माननीय पीयूष गोयल जी ने इसको इस पर दृष्टिगत किया और इस पर जो लाया, ये बहुत अच्छी बात है कि इससे जो है हमारे देश में पूर्णतया ये डीजल इंजन बंद हो जाएंगे और विद्युत सेवा से जो है इंजन चलेंगे। ये एक बहुत बड़ी सराहनीय प्रयास है कि इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा हमारे देश का। चलिए, कम से कम रेलवे विभाग इस चीज पर ध्यान दे रहा है। और जो सोलर पैनल की बात कही जा रही है, तो सोलर पैनल से भी इंजन को चलाने का कार्य जो हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेंशन उस पर हो रहा है, मतलब उस पर जो है खोज चल रही है, उस पर इन्वेंशन जारी है, तो वो भी अगर हो जाता है तो वो बहुत अच्छा हो रहेगा। अभी आपको बताएंगे, रेलवे एक नई चीज करने जा रहा है, रेलवे एक नया ऐसा पेंट लगाने जा रहा है डिब्बों के ऊपर, उन डिब्बों के ऊपर ऐसा पेंट लगाने जा रहा है कि रेलवे के उस पेंट के लगने से डिब्बों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी। वो पेंट इस तरह के हैं, वो फॉरेन टेक्नोलॉजी से बने हुए पेंट हैं, उसका इंडिया में भी उसको बनाने की तैयारी चल रही है। RDSO यहाँ का डिपार्टमेंट है, अभिकल्प विभाग जो रेलवे का है, तो उसमें तैयारी चल रही है। तो उसमें ये भी हो रहा है कि उस तरह के पेंट को इंडिया में क्यों ना बनाया जाए, तो उसको लगा देने से अंदर डिब्बों के अंदर गर्मी की व्यवस्था कम रहेगी, तो आम जनमानस जो सेकंड क्लास में चलती है, जो एसी में नहीं चल सकती है, उसको बहुत राहत मिलेगी। तो ये सरकार उस पर भी काम कर रही है, लोगों को नहीं जानकारी है, इस पर भी कार्य चल रहा है। ठीक है, पर्यावरण को लेकर अगर चीजें सही की जा रही है, सरकार की तरफ से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और 2030 तक लक्ष्य लिया गया है, लेकिन 2019 की बात कर लेते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, लगातार इन सारी चीजों को लेकर जो है बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद के वसुंधरा में सोमवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 के रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया है, और हालांकि उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में प्रदूषण कम है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज चार राज्यों के सचिवों की पेशी है। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को तलब किया है, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सभी चार राज्यों में उठाए गए कदमों पर हलफनामा मांगा गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 15 नवंबर को बढ़ते प्रदूषण को लेकर पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिवों को तलब किया, साथ ही कहा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी में अभी भी पराली जलाई जा रही है, इसकी सैटेलाइट इमेज भी आई है। सभी मुख्य सचिवों को हलफनामा 25 नवंबर तक दायर करना है और 29 नवंबर को कोर्ट में पेश होना है। तो कुल मिलाकर अब स्थितियां सामने हैं कि प्रदूषण को लेकर राहत मिलती हुई कभी कभी नजर आती है, कभी कभी फिर से स्थितियां खराब हो जाती हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में आज चार राज्यों के सचिवों की पेशी होनी है। तो विवेक जी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इन चार राज्यों के जो सचिव हैं वो अब पेश होंगे, हलफनामा देंगे कि आपने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है प्रदूषण को लेकर, तब चीजें क्लियर हो पाएंगी। जी मानसू जी, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कार्रवाई की है। मथुरा में आपने देखा होगा कि जिन किसानों ने पराली जलाई, FIR की गई, तमाम प्रधानों को सस्पेंड किया गया, उनके बस्ते सीज किए गए। तो पराली जलाने को लेकर के हमारी सरकार संवेदनशील है। 25% जी, पराली जलाने से 25% पॉल्यूशन हो रहा है, 75% कहाँ से हो रहा है, उस पर क्या कार्रवाई की गई, ये भी पूछा जाएगा। नहीं, वो दिल्ली का आंकड़ा है। नहीं नहीं नहीं, अगर वहाँ पे 25 है तो यहाँ पे थोड़ा, चलिए ठीक है 30% मान लेंगे, जब दिल्ली में 25 है जहाँ पे हरियाणा, पंजाब हर जगह से आ रहा है पॉल्यूशन, तमाम तो फिर यहाँ तो और कम ही होगा। देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने और भी तमाम कदम उठाए हैं, सारे भट्ठे बंद करा दिए गए, कंस्ट्रक्शन बंद कराए गए। होता क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है, जो भट्ठों से जो धुआं उठता है, वो माहौल को प्रदूषित करता है। कंस्ट्रक्शन डस्ट को कंट्रोल करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और ऐसे में जिस तरह से दिल्ली में ये सरकार फेल रही, तो उनके सचिव से पूछा जाएगा। हमने तो यहाँ पे कड़ाई से इस पर पालन किया है, हमने लखनऊ के इर्द गिर्द के सारे भट्ठे बंद करा दिए, कहीं कोई भट्ठा इस समय चालू नहीं है, और कंस्ट्रक्शन भी हमने लखनऊ की सीमा में जितने थे बंद करा दिए हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन डस्ट भी उड़ करके धुंध को बढ़ाने ना पाए। ठीक है पंकज जी, जी उत्तर प्रदेश की जब रिपोर्ट मांगी जाएगी, तब ऐसा ना हो कि सचिव जी पिछली बार, क्योंकि जब NGT में पूरा मामला गया तो फिर शांत बैठ गए थे, इस बार भी शांत ना बैठ जाए, कम से कम कुछ बताएं, अपनी रिपोर्ट दें कि हमने क्या क्या काम किया है। सिर्फ किसानों को लेकर जो है उनको पराली जलाने से रोक रहे हैं, सिर्फ यही बातें ना की जाए।
देखिए और मुद्दे भी हैं और चीजें भी हैं। देखिए मानसु जी, ये प्रदूषण का मामला, इसको रोकना बहुत जरूरी है, और जिस तरह से ये तेजी से बढ़ रहा है ये आगे चल के बहुत परेशानी ही करेगा और ये बहुत दिक्कत ही करेगा, और इससे बहुत सी बीमारियां, नई नई बीमारियां पनपेंगी जिनकी खोज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर निजात पाना बहुत जरूरी है। और आगामी जो विधानसभा का दिल्ली का चुनाव होना है, वो प्रदूषण, पानी और इसी पे लड़ा जाएगा, और अवैध कॉलोनी, इन्हीं मुद्दों पर आप देखिएगा ये चुनाव लड़ा जाएगा, और जनता भी उससे बहुत परेशान है वहाँ की। और आप बताइए, रोज वहाँ का क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ घट जाता है, 327-328 रोज वहाँ का क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है, उस पर कोई रोक नहीं हो रही है, और दिल्ली सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, खाली पराली पे ही जोर दे देती है कि पराली जलने से ऐसा हो रहा है। खाली पराली जलने से ऐसा नहीं है कि खाली पराली जलने से ही प्रदूषण फैल रहा है, उसके और भी बहुत से मूलभूत कारण है। दिल्ली के अंदर बहुत सी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बहुत से वो जो कार्बन का उत्सर्जन कर रही है उस पर रोक है क्या? वो पैसा लेके वहाँ के अधिकारी कर्मचारी उनको फैला रहे हैं, वो उस पर कहीं रोक, कहीं किसी प्रकार की रोक लग रही है क्या? ऐसा नहीं है। दिल्ली का पानी यमुना के देख लीजिए, एक सर्वाधिक प्रदूषित तो काला पानी है, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। आपने चाइना की तरह, पड़ोसी देश की तरह क्यों नहीं आपने वो पिलर्स लगाए जो कार्बन का को अपने अंदर ग्रैब्स करते हैं? 10 किलोमीटर के रेडियस में 75% जो है ये आपके चीजें ग्रैब्स कर लेता है प्रदूषण को, तो उसको आपको उसको उसको आपको धारा बनाना चाहिए, उसका सिस्टम बनाना चाहिए। पंकज जी, जब केजरीवाल से ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं केंद्र सरकार इस चीज में सहयोग नहीं कर रही है। देखिए कितना सही मानते हैं इस बात को। मानसू जी, ये कहना गलत है, इसलिए गलत है कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, पहले का जमाना नहीं है कि कोई चीज सामने नहीं आती थी, अब सारी चीजें सामने आती हैं। अभी आप एक चिट्ठी भी केंद्र सरकार को लिखते हैं तो मीडिया पे वायरल कर देते हैं, तो आप अगर चिट्ठी लिखेंगे और प्रदूषण के मैटर पे अगर आप चिट्ठी लिखते हैं, लाख वैमनस से आपस में दोनों पार्टियों में विरोधाभास है, लेकिन प्रदूषण के मुद्दे पे केंद्र सरकार को पैसा देना पड़ेगा, और केंद्र सरकार कंपेल्ड टू पे, बाध्य होगी पैसा देने के लिए। लेकिन आपने इस तरह की कोई योजना ही नहीं भेजी, आप भेजा होता और केंद्र सरकार नहीं देती तो आप कहने के बाद अधिकारी थे, आपने इस तरह की कोई योजना भेजी? आप सिर्फ अपने प्रचार में और उसी में लगे रहे, ऑड इवन में इसी में लगे रहे, आप सीरियस रूप से कहां लगे रहे? आपने कृत्रिम बरसात करवाई, एक पूरा प्रपोजल, कंक्रीट प्रपोजल बना के भेजते कि ये इतने 100 करोड़ का, इतने रुपए का ये प्रपोजल है, इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण रुक सकता है, तो आपने इस तरह का कोई चीज भेजा? नहीं भेजा आपने, आपने इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं भेजा, बस खाली ढपली बजाते रहे कि बहुत ज्यादा प्रदूषण है, ऑड इवन करते रहे, उसका उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और जनता को बताते रहे, उससे क्या फायदा हुआ? चलिए ठीक है, अब स्थितियां जो भी होंगी वो देखने लायक होंगी, क्योंकि 4 जगह के जो है सचिव बुलाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देंगे कि आखिर अब तक उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की है, प्रदूषण को लेकर वो कितने सक्रिय हैं, अपनी रिपोर्ट में बताएं। तो अब जो है 4 राज्यों के सचिव जाएंगे, बताएंगे जो भी स्थितियां होंगी उसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम भी। तो विवेक जी, पंकज जी, आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए जो भी स्थितियां होंगी सुप्रीम कोर्ट में, जो भी बातें रखी जाएंगी उसकी अपडेट जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे, और कितने सक्रिय लोग नजर आ रहे हैं ये भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।